क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भाई ओमपाल। अच्छा, क्या क्या हुआ यहाँ पे जो है पुलिस आई, आप भी आए? ये पुलिस जो आई, हम भी गांव में से आए, अभी बहन का पता लगा, यहाँ से लावारी से ये जो बछड़े थे ये घूम रहे थे, और तकड़े बछड़े हो रहे थे, खूब गोरे नुमा बछड़े हो रहे थे, और ये मुड्डी पुड्डी सी ज्वार की इनमें तुड़को जाते बेचारे, अपना काम करो जाते गुजारा। और से जो सांझ है, सांझ हम जो बारिश आई, हमने तो जिब देखे हमें जिब में सही सलामत थे, और उसके बाद तड़के आने का पता लगा भाई हाँ उसे पाई खून पड़ा जगह जगह। कितने जो है बछड़े? छह बछड़े थे यहाँ से भाई, नु पता नहीं मैं कितने कट रहे कितने बछड़े। अच्छा, खून पड़ा हुआ है और अवशेष है? अवशेष है। प्रधान जी, आपके गांव में सुबह के समय अवशेष मिले हैं, क्या किस जानवर के अवशेष है, किस तरह सूचना दी आपको? ये जो बछड़े हैं गायें हैं लवारिस, उनके आई। तो आपको कब पता लगा? किस आप सुबह ही पता लगा, गांव वालों ने बताया, फोन करके कहने गया, और वहां पे अवशेष पड़े हुए हैं। अच्छा, कितने तकरीबन कितने जो है पशु काटे गए? ये 4-5। तो घटना सुबह की है या रात की हुई? ये रात की है जी। तो क्या पुलिस से आपकी बात हुई है, क्या जानकारी? SHO साहब से हुई, उन्होंने कहा मैंने गाड़ी भेज दी है और जानकारी कर रहे हैं इसके बारे में, और कार्रवाई करते हैं अब। उसके उसके इसके बाद हम जो कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, कप्तान साहब से बात करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से जो है गांवों के बाहर आसपास आवारा पशु घूम रहे हैं, कोई जो गौशाला सरकार के रही है, गौशाला प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था नहीं की गई? प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई। कितने जानवर आसपास घूमते हैं कंडे लगाओगे? कम से कम ऐसे होंगे 100 के करीब। हाँ जी, 100-150 करीब है। तो क्या ये सभी गांव के है या अन्य बाहर के भी? अन्य बाहर के है जी, बाहर के हैं गांव। तो सामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कर दी गई, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हाँ जी, हम कार्रवाई चाह रहे, जिसने भी ये ऐसा किया उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ,